हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वजाहत नज़ीर है और आज मैं मौजूद हूँ इंस्पेक्टर खान शाहनवाज रिटायर्ड साहब के साथ, जो कि एबीसी ऑफ सिंध पुलिस, इनका यूट्यूब पे चैनल है, इसके अलावा फेसबुक पे भी एक्टिव हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इनका बुनियादी मकसद हमेशा लोगों की दादरसी करना है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जैसे केपीके में पुलिस रिफॉर्म्स आए, लोगों ने वाहवा की, और हकीकत में सिंध पुलिस में रिफॉर्म्स के लिए मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ सिंध पुलिस के ऑफिसर्स ही बताएं, तो इसीलिए इनका ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। तो ये बताएंगे कि क्या होना चाहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पुलिस रिफॉर्म के सिलसिले में जो हम काम करेंगे अंदर चलकर, तो ज़्यादा हमारा फोकस ये होगा कि हमारे प्रॉब्लम क्या हैं, जो पब्लिक को क्या प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं, कंप्लेनर को क्या प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं, जो लोग किसी वारदात का शिकार होते हैं उनके क्या मसाइल हैं और उन मसाइल का हल क्या है, जिससे उनकी दादरसी हो सके और वो पुलिस पर एतमाद कर सके। आज बदकिस्मती से फजा ऐसी है कि पुलिस के ऊपर कोई आदमी एतमाद करने को तैयार नहीं है, और उसका मेन वजह जो है वो हमारा रवैया भी है और वो हालात भी हैं जिन हालात में पुलिस जो है वो काम कर रही होती है। बहुत सारी मुश्किलात भी हैं पुलिस के लिए भी, थानों के लिए भी, तो वो भी दूर होनी चाहिए। मैं आपको जो असल बात है वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जब एक आदमी किसी वारदात का शिकार होता है, जब वो लुटता है, तो उसकी सबसे पहली जो फीलिंग होती है वो क्या होती है? वो फौरन लुटने के बाद वो बिल्कुल पीसफुली वो लुट जाता है, वो जो डाकू उसको कह रहा होता है गन पॉइंट पे, वो उसको पैसे भी दे देता है, वो उसको मोबाइल भी दे देता है, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, उसके गाड़ी भी हवाले कर देता है, और जैसे ही वहां से वो उसको रिलीज मिलता है तो वो फौरन भागता है पुलिस की तरफ। रास्ते में मोबाइल मिल जाए या वो थाने में, कई दफा हमने देखा कि वो थाने में भागता हुआ दाखिल होता है और शोर मचा देता है, और आगे हम रवायती पुलिस वाले जो बैठे हुए होते हैं सुस्त रवि का शिकार हैं, हम उसको उस तरीके से वो डील नहीं कर पा रहे होते जिस तरीके से उसको रिस्पांस चाहिए होता है, जो उसके उसकी जरूरत होती है कि फौरन उसके साथ उठ के चल पड़े, मोबाइल बुला लें और भाग पड़े उसकी तरफ उसके साथ, और पूरा इलाका छान मारें, पूरा मोबाइल के ऊपर भी शोर मचाए कि ये वारदात हो गई है, मगर हम उसकी बात पूरी सुनने के लिए उसको कहते हैं कि अच्छा आराम से बैठ जाओ, पानी पियो, तसल्ली से मैं बताओ। वो जूं जूं टाइम निकलता जाता है वो डिस्टर्टेड हो रहा होता है, और फिर हम उसकी आमतौर पर ये जो FIR ना काटने की शिकायत है ये भी बहुत ज़्यादा हैं, वो हम वारदात को उस रंग में पेश नहीं करते जिस रंग में एक्चुअली हुई होती है। हालांकि FIR का जो मकसद होता है, जो इसका मेन नज़रिया है, वो यही होता है कि जिस तरीके से वारदात हुई है या जिस तरीके से कंप्लेनेंट कंप्लेन कर रहा होता है उसको एज इट इज वर्ड बाई वर्ड लिखा जाए। हम उस पर तस्दीकनामा भी लिखते हैं FIR में कि हरफ बहरफ लिखी गई है, तो जब हरफ बहरफ लिखी गई है तो फिर हमें हरफ बहरफ भी लिखना चाहिए। हम बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम आइंदा चलकर आगे बताएंगे, जो पुलिस फॉर्म का हिस्सा होंगे कि इनको दूर कैसे करना है, तो वो भी हम दूर करेंगे। तो वो उस तरीके से वो जो फीलिंग है जब उसकी मुश्किल से FIR दर्ज होती है और वो कार्रवाई या उसका वो प्रॉपर्टी या उसका मुल्ज़म नहीं पकड़ा जाता, प्रॉपर्टी रिकवर नहीं होती, तो वो डिसऑर्डर्ड होता जाता है। पहले जब वो डिसऑर्डर्ड होता है तो वो ये कहता है कि वो पुलिस ही अच्छी नहीं है, ये पुलिस जो है इस काबिल नहीं है, वो पुलिस के ऊपर लामतान करता है, पुलिस को बुरा भला कहता है, ये उसका पहला जो स्टेप होता है, रिएक्शन होता है, वो होता है। फिर जब थोड़ा सा और गुजर जाता है और कानून उसकी कोई मदद नहीं करती, तो फिर वो मुल्क की कानून को भी जेर इल्ज़ाम ले जाता है कि ये कानून भी गलत है, यहाँ की अदालतें भी गलत हैं, यहाँ का निज़ाम भी गलत है और पूरे डिपार्टमेंट गलत है। फिर वो आखिर में जाके वो इस मुल्क के ऊपर भी आवाज़ उठाता है कि ये मुल्क बनना ही नहीं चाहिए था, ये मुल्क ऐसा नहीं है, इस मुल्क रहने के काबिल नहीं है, मैं इस मुल्क में नहीं रहूँगा। क्योंकि बहुत सारे हमने जो फॉरेन से आते हैं वो लुटते देखे हैं और उनकी यही फीलिंग होती है। हमने इन सारी फीलिंग को दूर करना है, प्रैक्टिकली दूर करना है और काबिल बनाना है ताकि एक आम आदमी का इत्माद हासिल किया जा सके। जब तक हम पब्लिक का इत्माद हासिल नहीं कर सकते, हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, तो हमारे रिफॉर्म का जो मेन होगा, इसके सिलसिले में जो आपके पास सजेशन हो वो भी है, और इस सिलसिले में जो आपको हमारी तरफ से कोई गाइडलाइन की जरूरत है तो वो भी हम देने को तैयार हैं। अच्छा शाहनवाज साहब, यहाँ पर एक सवाल जरूर बताएं कि क्यों पुलिस वाले FIR काटने में दिलचस्पी आपके हैं, या देर लगा रहे होते हैं, या वो चाह नहीं रहे होते, इसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं वो थाने की रेटिंग कुछ इन्वॉल्व है, पीछे क्या है ये? जी बिल्कुल, असल में ये सिर्फ पुलिस की हद तक नहीं है,
ये बहुत ऊपर तक जाती है। जब ये आप देखते हैं कि असेंबली में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है, किसी की तरफ से कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो तहरीक शुरू की जाती है, तो उसका जब वो कंसर्न डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो जब जवाब देता है तो वो कोशिश यही करता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो जब पुलिस में अगर हर रोज, कराची पुलिस में भी आज भी ये मक्का है कि क्राइम जो रेट है वो हर थाने में 3-4 क्राइम की वारदातें डेली हो रही होती है, स्ट्रीट क्राइम की, मगर ऑन रिकॉर्ड एक वारदात भी नहीं शोर हो रही होती है। तो अगर हम पूरी रिकॉर्ड में करेंगे, पूरी वारदातों का रिकॉर्ड रखेंगे, तो हमें उसी लिहाज से हमें पुलिस की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, हमें थाना भी बढ़ाने हैं, हमें वर्किंग भी बढ़ानी है, हमें फैसिलिटीज भी बनानी है, हमें और बहुत सारे ज़राए जो हैं वो हमें इकट्ठे करने पड़ेंगे। ज़ाहिर है वो पुलिस के ऊपर नहीं है, वो पीछे पॉलिटिकल पार्टियां भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, वो फिर कम करते हैं, वो रिसोर्सेज कम करते हैं। मैं छोटी सी बात कर दूं, जिस तरीके से कराची अभी रिसेंटली एक इतराज़ आया है कि यहाँ पॉपुलेशन जो है, जो मरदमशुमारी हुई है उसमें पूरी तरह काउंटिंग नहीं हुई है। अगर वो पूरी तरह काउंटिंग करेंगे तो वो उतने वो ज़राए और उतने वसाइल देने पड़ेंगे, ज़ाहिर है अगर वो वसाइल नहीं दे रहे तो वो फिर काउंटिंग। हम बहुत सारी, मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि जब हम किसी जुलूस की, किसी रैली की या किसी भी मजमे की हम जब वो अक्कासी करते हैं, हम उसकी ब्रीफिंग देते हैं कि ये मजमा कितने पर था, तो हम उसकी तादाद को कम बनाते हैं, 10,000, 20,000, हालांकि वो मजमा जो होता है वो लाखों की तादाद में होता है। मगर अगर हम लाखों की तादाद हम बताएंगे तो हमें सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से देनी होगी। सही। तो हम वो सिक्योरिटी उसी हिसाब से दे नहीं रहते होते। हाँ, हालांकि जो सिक्योरिटी आर्डर बनता है उसमें हम जितनी सिक्योरिटी दे रहे होते हैं वो और है, और जो प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर सिक्योरिटी होती है वो और होती है। अच्छा। वो हमारे पास इतनी सोर्स ही नहीं होती है, वो हम लिख तो देते हैं मगर इतनी हमारे पास सप्लाई नहीं होती है, तो ये हमारी कमजोरी है। अच्छा शाहनवाज साहब, एक मैंने बयान पढ़ा था मौजूद जज साहब का, जिसमें वो फरमाते हैं कि तकरीबन 90% से ज्यादा जो FIR होती हैं वो गलत काटी जाती हैं। तो आप इस बारे में बताएं कि उसका हकीकत में अगर हम रखें कि भाई उसका इल्जाम कह लें या उसका जिम्मेदार कह लें, क्या वो कटवाने वाला गलत होता है या पुलिस वाला होता है, कोई और होता है, मतलब इसमें क्यों FIR गलत काटी जाती है? असल में वो बड़े क्राइम के ऊपर ज़रा पूछगिछ ज़्यादा होती है, SHO साहबान को ज़रा वो ज़्यादा पूछा जाता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, लिहाजा उसको वो बड़े क्राइम को छोटा क्राइम शो करके वो उस इल्ज़ाम से बचना चाहते होते हैं, अपना दिफा कर रहे होते हैं। हालांकि ये चीज़ जो है ये बिल्कुल गलत है, उसको पूरी तरह उसी तरीके से वो लिखना चाहिए। जब हम सर्टिफिकेट देते हैं तो इसका मतलब यही होता है। मुझे याद है कि एक वाकया मैं लिख रहा था जी, तो उसमें वो मुझे कुछ 7 दफ़ा वो बयान जो है वो ज़ाया करना पड़ा कि वो फुलफिल नहीं हो रहा था। तो आखिर में अच्छा, क्या फुलफिल नहीं हो रहा था? फुलफिल यही हो रहा था कि वो जो वो लिखवाना चाह रहे थे वो बीच में पुलिस को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे थे कि पुलिस वहां मौजूद थी, हालांकि पुलिस जरूर मौजूद थी मगर पुलिस मुलजम तो नहीं थी। सही, सही। तो वो इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहे थे, मगर हमने बाद में वो कर दिया, हमने कर दिया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में सारी के लिए क्लियर हो जाएगी। असल में इसमें जो इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन के जो दो डिपार्टमेंट है ना पुलिस के अंदर, खासतौर पर कराची में जो वर्किंग कर रहे हैं, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। पढ़े लिखे सारे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में डाल दिए हैं और जो अनपढ़ जहल तबका है वो सदा ऑपरेशन में है, और ऑपरेशन वाले FIR काटते हैं, लिहाजा वो FIR जो है वो फुलफिल नहीं होती इन्वेस्टिगेशन के साथ। मेरी सजेशन है कि FIR जब इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है तो उसके राइटर भी इन्वेस्टिगेशन वाले हों। सही। तो वहां जो पुलिस आमतौर पर इस वक्त भी कराची पुलिस में ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो है वो FIR काटता है और उसमें बहुत सारी खामियां रख देता है जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में पूरी नहीं होती है, जिससे इन्वेस्टिगेशन सफर होती है और आगे जाके वो मुल्जमों को फायदा मिलता है। अच्छा, एक बात मैं अपने सुनने वालों को, इस प्रोग्राम के देखने वालों को बताता चलूं कि इससे पहले एक रिकॉर्डिंग में हमें खान शाहनवाज साहब ने बताया था कि अमूमन यानी 90% उन्होंने बताया था कि स्नैप चेकिंग के अंदर हकीकतन कोई मुजरिम नहीं पकड़ा जा रहा होता। तो फैसला बाद में अभी वारदात हुई शाहनवाज साहब, उसके बारे में, उसमें 2 बच्चों को मार के हलाक किया गया और इल्जाम पुलिस पे रखा है या पुलिस वालों ने ही ऐसा किया, तो आप क्या कहते हैं ऐसे पुलिस वालों को कि उन्हें हकीकतन इस तरह फायर खोल देना चाहिए ना रुकने वाले पर, क्या स्ट्रेटेजी उनको लेनी चाहिए, जरा सा बताइए। बहुत सारी स्ट्रेटेजी इस वक्त मतलब डिसइंफॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन पूरी तरह सही मिल नहीं होती है, इसलिए वो थोड़ा सा इस किस्म के इंसिडेंट हो जाते हैं, मगर
ظاہر ہے جب اچھی تربیت ہوگی اچھی ان کی وہ ٹریننگ ہوگی تو وہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام ہو سکتی ہے. بہت شکریہ شاہنواز صاحب. اینڈ پہ صرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خان شاہنواز صاحب سے اگر رابطہ کرنا ہو 0331-2122-131 ان کا نمبر ہے. جہاں بھی آپ کو لگے کہ آپ جائز ہیں آپ حقیقت پہ حق پر ہیں تو خان شاہنواز صاحب ان ریٹائرڈ پولیس آفیسرز میں آتے ہیں جن کے پاس ٹائم ہے. اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہے, ٹائم بہت سے لوگوں کے پاس ہے, بس بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو خدمت خلق کے لیے, جو خلق خدا کے لیے ٹائم نکالنا چاہتے ہیں, یہ ان میں سے ایک ہیں. اس کے ساتھ ہم آئی جی سندھ صاحب کا نمبر بھی واٹس ایپ کا یہاں پر موجود لگائیں گے, لوگ انہیں 100% کانٹیکٹ کریں. ہمیں اگر سی سی میں رکھنا چاہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کیا جائے, جہاں تک ہو سکا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور خان شاہنواز صاحب کے اسٹوڈیو میں اگر کوئی حاضر پولیس آفیسر بھی پولیس ریفارم کے حوالے سے آنا چاہے ضرور آئے. اللہ حافظ, بہت شکریہ.